की ओर। अब यहाँ से करीबन 3 घंटे की रास्ता है, 3 घंटे के बाद हम हमारे मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है हमारे साथ देखिए मामाधुर आसाम टॉक्स का कॉरेस्पॉन्डेंट डीमा हासाओ की, और हमारे पूरे एनडीएस की टीम साथ में मौजूद है, हम पूरे एक साथ। फाइनली हम हमारी मंजिल तक पहुंच गए हैं। अभी करीबन 4 घंटे की रास्ते पे आकर हम फाइनली यहाँ पे उमरंगसू पे पहुंच गए हैं। अभी जहाँ पे फैल्कन फेस्टिवल जो साल पे एक बार होता है, इस बार पहली बार हुआ है यहाँ पे उमरंगसू पे। फिलहाल हम मौजूद हैं यहीं पर जहाँ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखा रहा है कि इतना सुंदर रिजर्वर, इतना खूबसूरत है, जो आप देखने से ही आपको पता चलेगा। जब आप यहाँ पे आएंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे कितना खूबसूरत है हमारे डीमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट। तो आज यहाँ फैल्कन फेस्टिवल, दुनिया की बहुत सारे चिड़िया यहाँ पे आबा है, आपको दिखाई देगा। आप आएंगे तभी आपको दिखाई देगा, लेकिन हमारे इस वीडियो के जरिए हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल मैं मौजूद हूँ डीमा हासाओ की सबसे खूबसूरत जगह उमरंगसू, जहाँ पे आज पहली बार अमूल फैल्कन फेस्टिवल हो रहा है, जहाँ पे ब्लू हिल सोसाइटी डीमा हासाओ के एक बहुत ही मशहूर एनजीओ उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है आज का जो फेस्टिवल फैल्कन फेस्टिवल। उसी के साथ साथ दिए गए हैं नॉर्थ कचहरी ऑटोनोमस काउंसिल और डीमा हासाओ के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हर कोई, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सपोर्ट, और स्पेशली उमरंगसू के जो यूथ से उन लोगों के सपोर्ट से यहाँ पे आज इस फैल्कन फेस्टिवल को मनाया गया। आज सेकेंड डे है, फर्स्ट डे गुजरे हुए कल मनाया जा चुका है, और आज सेकेंड। मैं उन लोग ऑर्गेनाइजर से पूछना चाहता हूँ कि आज इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल करने के लिए कितने मेहनत किए हैं उन लोगों ने? मेहनत काफ़ी गया है इसमें। ये मेन सोसाइटी में इनिशिएटिव गया, इन कोलाब्रेशन में वन एक्स ऑफ इंडिया। देखिए, हमारा आइडिया ये है कि सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम्स से काफ़ी नहीं है, अमूल फैल्कन के इम्पोर्टेंस के बारे में स्प्रेड करने के लिए उसका मैसेज। तो इससे हम ये म्यूजिक के थ्रू से, म्यूजिक फेस्टिवल के थ्रू से अमूल फैल्कन उमरंगसू में आने वाला उस फेनोमेना को दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। सो हमारे इस एफर्ट में यूथ ऑफ उमरंगसू ने बहुत मदद किया। हमारे हमारे भाई ने, जैसे कि उन्होंने बहुत मदद किया, हमारे कार्मी भाइयों ने बहुत मदद किया, कुमासा भाइयों ने बहुत मदद किया, नेपाली भाइयों ने बहुत मदद किया। इसे इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एक्चुअली, यहाँ पे सब इतने एकजुट होकर यूनाइटेड भी काम कर रहे हैं, तो इट्स वेरी हार्ड वर्किंग। और हमको इस काम में एन सी एच एस भी बहुत सपोर्ट मिला, एंड डीमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत सपोर्ट मिला। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के जो लोकल है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यह फेस्टिवल क्या इस बार पहली बार करके ही रुक जाएंगे कि हर साल इसे करने की कोशिश करेंगे? हाँ, ये एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द फेस्टिवल व्हिच वी आर राइट नाउ एंजॉयिंग राइट नाउ, लेकिन ये एक बार में रुकने वाला चीज़ तो होना नहीं चाहिए। स्टेप हमने और फ्यूचर में भी ले जाना है, जो कि हमने सीखा है अपने भाई लोग से, प्रीवियस सोसाइटी वालों से, कि हमें एक रास्ता दिखाया है, एक चॉइस दिया है, जो वाइल्ड लाइफ को हमें बचाना है। और इसके माध्यम से जो हमारे यूथ है, जो हमारे पास में स्किल और अनस्किल्ड यूथ जो बेकार पड़े हुए हैं, उनके लिए एक स्कोप मिलेगा इसके जरिए से। इसके लिए उनको हम तहे दिल से अपनी तरफ से थैंकफुल हैं कि इन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है अभी कह नहीं सकता, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इनिशिएटिव दैट हैज बीन टेकन बाय देम, फॉर दैट वी आर थैंकफुल। डीमा हासाओ, बल्कि पहले नॉर्थ कचहर हिल्स एनसी हिल्स था, बल्कि लोग डीमा हासाओ के नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे, लेकिन आज की जो डीमा हासाओ जो नया प्रभाव फैला है यहाँ पे,
जो पहले टेररिस्ट डेस्टिनेशन था, लेकिन अब फाइनली आके टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। आज यहाँ पे फैल्कन फेस्टिवल पे आके हम अलग अलग जगह के टूरिस्ट भी दिखाई दिए। उसी तरह डीमा हसाओ भी डेवलपमेंट को और धीरे धीरे बहुत जल्द से जल्द बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ जर्नलिस्ट विष्णु शर्मा के साथ मैं जैद नूनिसा उमरांग से NDA। Yeah.
देखिए।